हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीज किचन। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ओरियो केक की रेसिपी, और ये 3 इंग्रेडिएंट्स में ही बन जाता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये काफ़ी सॉफ्ट केक बन के तैयार होता है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, और मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में मैंने ये केक बना के तैयार किया था, और बहुत ही सॉफ्ट और बच्चों को बहुत ही मज़ा आ जाता है इसे बनाने में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 2 ओरियो के पैकेट, एक्चुअली 3 पैकेट लिए थे, तो उसके लिए हमने 2 पैकेट तो पूरे लिए थे, उसके अलावा मैंने 6 बिस्किट्स और लिए। टोटल हमें 28 बिस्किट्स चाहिए, तो इन बिस्किट्स को, और ये क्रीम वाली ही बिस्किट हैं, तो इनको हमको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, और उसके बाद में मिक्सर ग्राइंडर में हम इनको पीस लेंगे, इनको बारीक कर लेंगे, मतलब फाइन कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसमें शक्कर भेजी थी, तो इसलिए ये वाइट दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हमने बिस्किट्स को 2 बैच में जो है ग्राइंड कर लिया था, एक बार में ये मिक्सर थोड़ी सी गर्म हो जाती है इसलिए। तो यहाँ पे अब उसमें ऑलरेडी बिस्किट्स में शुगर होती है, लेकिन थोड़ी कम होती है केक के हिसाब से, तो इसमें यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के जो है वो शुगर डाली है। और अब बिस्किट के जो पाउडर है उसमें हम इस शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी शक्कर मिक्स हो गई है, और अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप जो है मिल्क लिया है, 150 ml के करीब मिल्क लिया है, और वो हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और उसको हमें मिक्स करते जाना है। एक बार में हम पूरा मिल्क नहीं डालेंगे, तो हमें जितनी ज़रूरत होगी बैटर बनाने के लिए हम उतना ही इसमें मिल्क डालेंगे। अगर एक साथ में सारा डाल दिया तो हमारा बैटर जो है वो पतला हो सकता है। और तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें किस कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। तो यहाँ पे अब मैंने डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब तेल डाला है मैंने, और अब कोई सा भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी फ्लेवर। तो यहाँ पे अब हम तेल डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। तेल डालने से इसमें थोड़ा सा ग्लॉस जैसा भी आ जाता है। और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ इनो, यहाँ पे ना हमने बेकिंग पाउडर लिया है ना बेकिंग सोडा, सिर्फ एक पैकेट जो रेगुलर इनो होता है वो लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मिल्क डालूंगी, और मिल्क डालने के बाद में हम इसको बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा बैटर इसको इनो को डालने के बाद में अच्छे से फूल जाता है, और हमें बिल्कुल लास्ट में, जब आपने यहाँ पे आप पहले से ही भगोना या माइक्रोवेव में जिसमें भी बना रहे हो उसको पहले से प्री हीट करके डालना है, सबसे लास्ट में ही हमें इसमें इनो डालना है, पहले से इनो डाल के इसको रखना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिया है केक टिन, और इसको मैंने बटर पेपर से ग्रीस कर लिया था, और अब मैं इसको भगोने में, तो मैंने इसको बीच में ना खोल दिया था, इस वजह से इसमें छोटा सा ना गड्ढा आ गया है। तो यहाँ पे हमारा केक बन के तैयार हो गया, और मेरे पास में उसी नहीं था क्रीम, और बच्चे ज़िद कर रहे थे इसलिए मैंने बनाना पड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा क्रीम था, 1/2 कप से भी कम क्रीम था। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्रीम को व्हिप, तो इसी वजह क्रीम कम था, इसी वजह से मैंने केक की जो है लेयर्स कट नहीं करी है। तो यहाँ पे मेरा क्रीम हो गया है तैयार। अब मैंने एक बिस्किट को जो है बारीक पीस लिया था मिक्सर में ही, और वो मिक्सर, वो जो पाउडर है उसको, बिस्किट का पाउडर, उसको मैं क्रीम में डाल लूँगी और उसको मिक्स कर लूँगी। तो उससे क्या होगा, मैं क्रीम में भी जो है ओरियो का फ्लेवर आ जाएगा, तो पूरा मस्त लगेगा एकदम केक आप। और तो यहाँ पे मैंने जो स्टार नोज़ल होता है, रोजेट वाला नोज़ल, केवल वही नोज़ल लिया है, एक ही नोज़ल से मैं सारे काम कर लूँगी, ज़रूरी नहीं 10-15 चीज़ें यूज़ करूँ। तो यहाँ पर अब मेरे पास में क्रीम कम था, इसलिए मैंने क्या किया कि केवल ऊपर और साइड में जो है क्रीम को अच्छे से लगा लिया है। तो बच्चों को क्रीम वाले केक तो वैसे भी अच्छे लगते हैं, आपके पास में अगर ज़्यादा क्रीम हो तो आप इसको केक को जो है वो 3 लेयर में कट भी कर सकते हो, आराम से इसमें से 3 लेयर निकल आती हैं। तो अब मैं यहाँ पे साइड में लगा रही हूँ, तो बिस्किट को ना क्रीम में डालने से ना क्रीम का जो टेक्स्चर है वो बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप इसको जो है चारों तरफ से अच्छे से मैं स्क्रैपर से बाद में उसको एक कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक थोड़ा सा हाची सिरप का एक फ्री में आया हुआ वो था सिरप जो आता है, तो ये फ्री में मुझे किसी चीज़ में मिला हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसी को यूज़ कर लूँ। तो उसको मैंने एक पाइप में बैग में भरा, और इस तरीके से इसकी ड्रिप्स बना ली हैं। इसकी ड्रिप्स चॉकलेट से थोड़ी सी अलग बनती है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा पतला होता है। अब बाद में जो बचा हुआ क्रीम था उससे मैंने इस तरीके से छोटे छोटे से फ्लावर्स बना लिए हैं ऊपर। तो यहाँ पर हमारे जो फ्लावर्स, और जो बिल्कुल बचा हुआ क्रीम था, बहुत ही कम क्रीम बचा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे केवल एक बॉर्डर बना ली नीचे, आप देख सकते हैं मेरी क्रीम बिल्कुल ख़त्म की करवा रखे हैं, बहुत मुश्किल में ये बॉर्डर बना पाई हूँ। तो यहाँ पे हमारी क्रीम हो गई है, लग गई है, और यहाँ पे मैंने जो ओरियो के बिस्किट होते हैं उनको हाफ में, हाफ से भी कम कर लिया था, उसमें थोड़ा सा मैंने गोल्डन कलर का डस्टर डस्ट जो होता है वो लगा लिया था, और एक
कॉइन की तरह, मैं इसको बिल्कुल गोल्ड कॉइन की तरह इसको यहाँ पे बीच में लगा रही हूँ। थोड़ा सा कलर का वो लग रहा था तो मैंने चेरी जो होती है वो लगा दी है। तो यहाँ पे हमारा ओरियो का जो केक है वो बन के तैयार हो गया है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको किसी को सरप्राइज़ देना हो फटाफट से केक बनाना, तो ये केक बनाना बहुत ही आसान होता है और ये वाकई में बहुत ही डिलीशियस लगता है। और थोड़ी सी क्रीम से ही इसमें केक में जो चांद आ गई थी, बच्चों को क्रीम वाले केक बहुत अच्छे लगते हैं, तो थोड़े से क्रीम में ही आप देख सकते हैं मैंने कितना सुंदर केक बना लिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।